अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फ्रेशन ऑनलाइन के प्लेटफॉर्म से मैं हूँ सैयद रहमान। उम्मीद है बेटा आपसे तो ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे और अल्लाह ताला आपको से तो ईमान की बेहतरीन हालत में रखे। आज जो हमारा मौजू बहस है वो फिजिकल अपेयरेंस है। बहुत से बच्चों ने हमसे रब्ता किया व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे और यूट्यूब पर, हमसे पूछा कि सर आप बताएं कि जो आपने वीडियो में तस्करा किया था फिजिकल अपेयरेंस का, किसकी बुनियाद पर पंजाब यूनिवर्सिटी दाखिला दे देती है, ये क्या है और हमें आप इस हवाले से मुकम्मल तौर पर आगाह करें। तो क्योंकि मैंने ये कहा था वीडियो में कि हम फोर्थ मेरिट लिस्ट के बाद ये मैं आपको बात बताऊंगा, ये राज बताऊंगा, लेकिन क्योंकि इस वक्त बच्चों के पुरजोर इसरार है इस हवाले से, तो चलें इस वीडियो में मुकम्मल तौर पर हम इसका अता करेंगे फिजिकल अपेयरेंस का। लेकिन इससे पहले पहले जो चीज़ अहमियत की हमल है वो ये है कि मैं बच्चों के तीन अहम सवालों को एड्रेस कर दूँ ताकि आप बच्चों को फ़ायदा हो जाए और आपके जो दोस्त है अहबाब जिनसे ये मसला हो गया आप उनको भी आगाह कर सकते हैं। सबसे पहला मसला ये है कि बहुत से बच्चों ने ऐसा किया कि जब उन्होंने एप्लीकेशन जनरेट की तो उसमें नाम और बहुत सी मिस्टेक्स होगी, तो वो कोई मसला नहीं है, वो पंजाब यूनिवर्सिटी उसको हल कर देगी। लेकिन जो मसला अब मसाइल दरपेश हुए वो ये हैं कि बहुत से बच्चों ने गलत चालान अपलोड कर दिए हैं। मिसाल के तौर पर इवनिंग की जगह मॉर्निंग का कर दिया और मॉर्निंग की जगह इवनिंग का कर दिया। इस बारे से आप परेशान बिल्कुल ना हो, अगर आप पंजाब यूनिवर्सिटी के करीब हैं तो आप पंजाब यूनिवर्सिटी रूम नंबर 20 में आ जाए, एडमिन ब्लॉक, आप उनसे ये मसला जो है ना अपना हल करवा सकते हैं। लेकिन अगर आप नहीं भी होता तो कोई मसला नहीं है, आप पंजाब यूनिवर्सिटी में जब मेरिट लिस्ट में नाम आएगा तो आप ओरिजिनल चलान के साथ आ जाएं। लेकिन बेहतर ये है कि आप पंजाब यूनिवर्सिटी आके, अगर करीब है, करीब हैं, आपकी दस्तरस में है पंजाब यूनिवर्सिटी, तो आप अपनी मसला हल करवा दें। अच्छा, कुछ बच्चे वो थे जो जिन्होंने एक ही तरह के चलान अपलोड कर दिए, मिसाल के तौर पे उन्होंने देखा ही नहीं, उर्दू के उन्होंने डाउनलोड किए और वही कापी करवाया और वही जो है वो उन्होंने पे कर दिए और बाद में उन्हें चला पता कि उन्होंने मतलब मुख्तलिफ रिपोर्ट अरेबिक में, इस्लामिक स्टडीज़ में, वो सारे के सारे जो उन्होंने उर्दू के ही अपलोड कर दिए हुए हैं। तो इसका वाहिद हल ये है कि आपको पंजाब यूनिवर्सिटी आना पड़ेगा और आपको अपने मुतलका डिपार्टमेंट जाना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा कि मेरे पास चालान ये हैं, बराए मेहरबानी आप जो है वो हमारा चालान अप्रूव कर दें, चेयरमैन जो है वो आपको इजाज़त दे दें। तो वो चेयरमैन की इजाज़त के बाद ही आपकी जो एप्लीकेशन है वो आप एलिजिबल ठहरेंगे और मुझे उम्मीद है कि चेयरमैन जो है वो आपको इंटरटेन करेंगे। अब तीसरा सवाल और अहम सवाल जो बच्चों ने पूछा था इस हवाले से, वो सवाल ये था कि सर मैंने चालान जनरेट कर लिए लेकिन पे नहीं कर सकी या नहीं कर सका। तो इस हवाले से बेटा आपको लाजमन पंजाब यूनिवर्सिटी आना पड़ेगा, जिस डिपार्टमेंट के चालान हैं उनके चेयरमैन से मिलना पड़ेगा और अगर चेयरमैन इजाज़त दे देते हैं तो फिर आपकी एप्लीकेशन जो है वो एक्सेप्ट कर ली जाएगी। अब आ जाते हैं फिजिकल अपीयरेंस की जानिब। तो बेटा फिजिकल अपीयरेंस ये होती है कि मिसाल के तौर पे पंजाब यूनिवर्सिटी में बहुत से ऐसे डिपार्टमेंट हैं जिसमें सारे के सारे बच्चे जो है वो एडमिशन के लिए अप्लाई कर देते हैं। बच्चों को लगता है कि अगर हमारा फलां डिपार्टमेंट में ना होगा तो चलें इस डिपार्टमेंट में हो जाएगा। अब ऐसा है कि पहली मेरिट लिस्ट लगती है और उसमें हमें 3 दिन मिलते हैं फीस जमा करवाने के लिए और दूसरी, तीसरी, चौथी सेम वही प्रोसीजर है, 3 दिन मिलते हैं। अब चौथी मेरिट लिस्ट के बाद ऐसा होता है कि बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं कुछ डिपार्टमेंट में जो चौथी मेरिट लिस्ट लगने के बाद भी फीस नहीं जमा करवाते और अब उन डिपार्टमेंट्स के अंदर जो है वो बहुत सी सीट्स बच जाती हैं। अब वो सीट्स जो है ना उनको पूर्व करने के लिए अगर आप उस पर नज़र रखते हैं और आप उस डिपार्टमेंट में जाते हैं, उनसे पूछते हैं कि क्या कोई सीट अवेलेबल है, क्या सारे के सारे बच्चों ने जो एडमिशन ले लिया है या फीस जमा करवा दी है, अगर अवेलेबल है तो मैं उम्मीदवार हूँ, मैं इंटरेस्टेड हूँ एडमिशन लेने के लिए, तो वो आपसे कहेंगे कि आप चेयरमैन डिपार्टमेंट के नाम जो है वो दरख्वास्त लिखें। आप दरख्वास्त लिखेंगे, आपको चालान दे दिया जाएगा और आप पे कर देंगे। ये वो तरीका है जिसको आप अवेल कर सकते हैं। लेकिन ये तरीका सिर्फ उसी सूरत में एप्लीकेबल है कि अगर उस डिपार्टमेंट में कुछ सीटें खाली रह जाएं, और ऐसा होता है बहुत से ऐसे डिपार्टमेंट होते हैं जहाँ सीटें खाली रह जाती हैं और बच्चे जो है वो फिजिकल अपीयरेंस की बुनियाद पर एडमिशन ले लेते हैं। तो मज़ीद मालूमात के लिए जुड़े रहिए फ्रेशर ऑनलाइन के साथ, तालीम और शोर के सफ़र में हमारा साथ दें। अल्लाह निगेबान, अल्लाह हाफिज़।